इनका एक ये मकसद नहीं कि मेरे पास तो काम की भरमार है, इसका ये मकसद है जो आज आप काम कर रहे हो ना उसमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस दो। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आपके सामने आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और एकदम सुबह सुबह 5:50, तो जो मैंने एक छोटी सी सीरीज अपनी स्टार्ट की थी भाई 13 जुलाई को, आज उसका है लास्ट दिन। आज 23 जुलाई को उसका आखिरी ब्लॉग आपके सामने आ गया है, जो कि थी 10 दिन 10 शहर के लिए। तो इसमें एक बार शहर रिपीट भी हुआ है कोई, और बाकी अलग अलग शहरों की बुकिंग मैंने कंटिन्यू आपके सामने की है और आपको बताया है। तो आपको देखने से ये फायदा रहता है, अगर इन शहरों की बुकिंग आपके पास आती है तो थोड़ी सी नॉलेज आपको रहती है, तो किराया बताने में कितने टोल लगेंगे, कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीजें बताने में आपको पैसेंजर के साथ आसानी रहती है। और एक ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पे ऑलरेडी गए हुए हैं। तो ये वीडियो बनाने के ये फायदे रहते हैं और देखने के फायदे रहते हैं, बनाने के तो जो फायदे हैं वो तो है ही, मेरे को तो आपसे जुड़ना है रोज, तो हर रोज ब्लॉग डालना है। तो भाई पहुंच रहा हूँ क्या, बस ये सामने एंट्री हो रही है अपनी थोड़ी देर में गोहाना के अंदर। कल का जो अपना पिकअप था एयरपोर्ट से जींद रोहतक की बुकिंग का, जो कि एंड हुआ 11 बजे भाई, होना था तो और उससे पहले होना था, मगर वो पैसेंजर का कोई प्रोग्राम था, वहाँ गए थे डिनर के लिए जींद हवेली पे, तो वहीं पे बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो 11 बजे उनको ड्रॉप करके वापस से फिर मैं जींद हवेली पे ही आके भाई सो गया था, वहीं पे चाय पानी पिया और उसके बाद फिर मैं सुबह 6:30 बजे का मेरा पिकअप गोहाना से गुरुग्राम। और एक बात और बता देता हूँ, ये वाला जो पिकअप है वन वे होने वाला है। आज से पहले जितनी भी बुकिंग की है मैंने सारी वो राउंड ट्रिप थी, मगर ये लास्ट वाला जो व्लॉग है वो वन वे का है। तो वन वे में किस तरीके से किराया लेना पड़ेगा, कैसे कैसे ये ट्रिप पूरी होगी, इस चीज के बारे में बताऊंगा आपको भाई इस वाले व्लॉग में ही। तो आज का पिकअप है मेरा गोहाने से सेक्टर 24 गुरुग्राम के लिए। तो अभी एंट्री तो हो ही गई है मेरी गोहाने में, और गोहाना मशहूर बताओ भाई किस चीज के लिए, सबसे पहले नाम याद आएगा माथुराम हलवाई का, माथुराम हलवाई की जलेबियां वर्ल्ड फेमस। और अब तो भाई गोहाना जैसे मैंने कल आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट भी बनने वाला है, तो जो जो गोहाने में रहते हैं भाई उन सारे भाई की हो गई है चांदी, अब वो एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो गए हैं। और अपना एक सबसे पहला सब्सक्राइबर, जिस सब्सक्राइबर भाई से सबसे पहले मैं मिला था ना, अमित मलिक, वो गोहाना के रहने वाले हैं। अभी इतनी जल्दी सुबह सुबह तो उनको भाई फोन कर नहीं सकते, मगर अमित मलिक पहले ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला था। बाद में तो हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई, मगर अमित मलिक उन्हें पहले सब्सक्राइबर थे जिनसे मैं मिला था। स्टार्टिंग से 0 से लेके आज मैं 40,000 के आसपास पहुंच गया हूं। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिनसे अपनी मुलाकात हुई थी। अब तो मैं क्या सुबह सुबह फोन करूंगा, तो भाई बहुत बोल पड़ा, ये तो इंट्रो में ही 4 मिनट की बातें होगी। तो भाई चलो पिकअप लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ, और कौन है पैसेंजर, कैसे कैसे होगा सफर पूरा बताऊंगा आपको इसी वाले ब्लॉग में सारा। तो मिलते हैं पिकअप लोकेशन पहुंच के, गोहाना सिटी। किसान चौक कहाँ से होगी यार, यहीं से चलो तक। अच्छा किधर से जाना है यहाँ देख लो, जैसे उसमें
ये मेक माय ट्रिप से बुक किया था यार, गोवा भी बस। हो गया ठीक है। तो भाइयों आखिरकार आज अपने 10 दिन 10 शहर का जो चैलेंज था उसका हो गया है अभी जस्ट एंड। जो कि आपने देखा पिछली क्लिप में गुड़गांव मैंने ड्रॉप करते ही जो मेरा चैलेंज था वो हो गया है कंप्लीट। तो बड़ी खुशी अपने अंदर ऐसे ही, नहीं तो मेरे को क्या किसी को दिखाना थोड़ी ना था, बस ये एक अंदर ही अंदर बड़ी एक शांति सी मिली है। हाँ भाई जो सोचा था वो हो गया है। जिस टाइम पे भाई ये कह रहे हैं धंधा ही नहीं है बिल्कुल, ये धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी, उस टाइम पे लगातार 10 दिन तक आउट सेशन बुकिंग अलग अलग शहरों की करनी है। तो ये वीडियो जो बनाए गए हैं 10 दिन तक, इनका एक ये मकसद नहीं कि मेरे पास तो काम की भरमार है, इसका ये मकसद है जो आज आप काम कर रहे हो ना उसमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस दो, ताकि जो आगे साल में 6 महीने में 2 साल में जो समय आएगा आप किसी भी कंपनी के भरोसा ना रहें, ज्यादा से ज्यादा काम आपका आपके पास खुद का रहे। इस वजह से जो ये आज बुकिंग्स आ रही हैं ये पिछले जो काम किए थे बढ़िया ठीक ठाक वही कस्टमर मैक्सिमम रिपीट होते हैं। और बाकी वैसे भी मैं ओला उबर चलाता हूँ, अब भी नए नए कस्टमर बनाने का रोज सिलसिला चालू ही है। और बात करें भाई आज की बुकिंग की, तो गोहाना से पिकअप था 6:30 बजे मगर 7 बजे के आसपास निकले थे पैसेंजर। और भाई ना तो माथुराम की जलेबी मिली, ना एक और पकोड़े वाला बड़ा मशहूर है गोहाने में वो मिले, क्योंकि भाई इतनी सुबह सुबह क्या मिलना था, सिर्फ एक चाय पी के पैसेंजर को 7 बजे वहां से बैठा के और 10:10 पर ड्रॉप किया है गुड़गांव साइबर सिटी के पीछे की तरफ। एक छोटा सा कोई गांव, छोटा तो क्या यार बहुत बड़ा गांव है, वहां ड्रॉप किया है भाई। ये बुकिंग मुझे किसी भाई ने दी थी मगर उस भाई के पास थी ये कोई वीवो से, 2400 रुपये में उनके पास बुकिंग थी, 2200 रुपये में उन्होंने मेरे को दी थी। मेरे को खाली आना ही था और 100 किलोमीटर की 120 किलोमीटर थी, 117 किलोमीटर राइड इसमें गाड़ी मेरी चली है। टोल सर्विस में 1 लग पाया भाई, जो कि कल मेरा जाते वक्त भी कटा था 130 रुपये का, तो आज उसका आधा 70 रुपये का कटा है। MCD 100 रुपये लगे है भाई। और हरियाणा टैक्स इस वाली बुकिंग में कोई था ही नहीं, क्योंकि वेंडर जो था भाई वाला आपकी गाड़ी तो हरियाणा नंबर है तो भाई वो नहीं मिल पाएगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब कल सुबह से लेकर आज सुबह तक 1000 रुपये का काम ओला उबर में हुआ था, 3500 रुपये के आसपास की ड्यूटी थी जींद वाली जो थी राउंड ट्रिप मगर वन वे में ही खत्म हो गई थी, और 2200 रुपये की बुकिंग ये, तो 5700 का टोटल काम हुआ। CNG लगी इसमें करीब करीब 5 और 3 8 और नहीं भाई 800 की तो मैंने एक डलवाई थी, 400 रुपये की एक डलवाई थी, 1200 और 200 रुपये की गैस सुबह भी खर्च होगी होगी 3 बुकिंग में, तो 1400 रुपये की CNG खर्च हुई है भाई। गाड़ी कितनी चली, गाड़ी चल गई भाई 80 किलोमीटर तो चल गई थी मेरी ओला उबर में, 150 चली जींद तक, 230 और 50 किलोमीटर चली फिर गोहाने तक, 280 और 120 किलोमीटर गाड़ी चली फिर गुड़गांव तक, यानी टोटल 400 किलोमीटर गाड़ी चली, 5700 रुपये का काम, 1400 रुपये का खर्चा और जो कमाई है ये है 24 घंटे। बाकी बहुत सारे भाई अन्य सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं अपने पास है नहीं भाई, सिर्फ ये देख लो वहां जाता हूँ आता हूँ फ्री में, तो कोई नहीं जाता भाई ये तो कन्फर्म है। नॉर्मल रेट 12 रुपये है किलोमीटर का, कई बार 10 भी ले जाता हूँ, जो पुराने पैसेंजर हैं रेट की बात ही ना करते, उनको भाई 10 भी ले जाना पड़े है, वो जाके जो दे देते हैं वो लेना पड़े। और बाकी आप सारे भाइयों ने इतना साथ दिया 10 दिन तक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से ओला उबर या बाहर की कोई बुकिंग आएगी तो बाहर की
जैसे जैसे काम होगा आपको हर रोज डेली अपडेट मिलता रहेगा। तो भाई आज के ब्लॉग का भी कर रहा हूँ एंड, क्योंकि भाई आया है, भाई खड़ा हुआ है शादीपुर डिपो। मैंने उनको 10, 9:30 बजे का टाइम दिया था, 10:30 हो गए, भाई आ गया, उससे मिलना है, उस पहुँचते हैं, भाई से मिलते हैं। तो भाई इतना साथ देने के लिए 10 दिन तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड, सारे भाइयों ने भाई राम राम।